न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का प्रश्न है रचना चैप्टर से वर्ग दसवीं के लिए। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न इससे रहता ही है और मैं आप लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखने का प्रयास किया हूँ। और दोस्तों एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पेन का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। आप इसे पेंसिल से ही बनाएंगे अपने नोटबुक में। तो सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी बनाए जिसमें बीसी बराबर 6 cm, एबी बराबर 5 cm और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। ठीक है, ये हमारा सवाल है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हम एक रफ त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी उसका नाम रख देते हैं और है ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी बराबर 60 डिग्री, इसमें बी सी बराबर देखिए 6 cm है और ए बी बराबर 5 cm है और ए बी सी यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी बराबर 60 डिग्री, तो बीच वाला है बी, यानी बी वाला कोण जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो बीच वाले कोण को हम 60 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अब हम अगला प्रक्रिया देखेंगे। ठीक, अगला है 3/4, तो 3/4 में देखिए ऊपर अंश जो है वो कम है, यानी अंश जब कम रहता है तो हमारा सवाल कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही हमारा अनुपात प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बी सी रेखाखंड लेते हैं 6 cm का। ठीक है, 6 cm का रेखाखंड लिए और इसका नाम रख दिया बी सी और कोण बी पर बनाना है, सॉरी बी पर बनाना है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री कोण बनाना बिल्कुल आसान है, एक बार चाप को घुमा दीजिए। ठीक, और हम जानते हैं कि एक बार काटते हैं तो 60 डिग्री का कोण बनता है। एक बार इसको काट रहे हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, अब ए बी देखिए, रफ में देखिए ए बी बराबर क्या है, 5 cm, 5 cm का चाप लेंगे। ठीक है, 5 cm लीजिए। हाँ, 5 cm लेने के बाद इसको 5 cm पर काट देते हैं। ठीक है, 5 cm पर इसको काट दिए और दोनों बी को और ए को क्या किए, मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। अब अगला प्रक्रिया वही है जो पहले हम किए थे, बी बिंदु पर क्या करना है, एक न्यून कोण बनाएंगे और सवाल को बनाएंगे। चलिए अब हम बी बिंदु पर न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ है 3/4, 4 सबसे ज़्यादा 4 है, तो चाप से 4 बार इस पर काटना है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 बार काट दिए। ठीक, तो इसका नाम रख लीजिए B1, B2, B3 और B4। चलिए अब इसमें देखिए 3/4, 3 पर चाप घुमाइए छोटा करके थोड़ा और उसी चाप को 4 पर घुमाइए, सेम उसी चाप को। ठीक है, B4 को C से मिला देना है, मिला दिए। अब यहाँ पर देखिए कोण को नाप रहे हैं, जितना दूरी बनता है इस दूरी के हिसाब से B3 पर जो है चाप घुमा हुआ उस पर काटना है और कटान बिंदु और B3 के बीच से होकर के एक रेखाखंड गुजारिए जो कि अभी जो रेखाखंड बना उसके समांतर होगा, बिल्कुल समांतर में एक रेखाखंड हमारा तैयार होने वाला है। देखिए ये हो गया, अब थोड़ा बचा है सवाल में। अब वही काम, कटान ये किस पर, सी बिंदु पर करना है और अभी जो मिला उस पर करना है दो, और बीच के दूरी को नाप लेना है और फिर इसको काटना है। ठीक है, काट दिए और फिर पटरी से इसको मिला दीजिए। ठीक, इस प्रकार हमारा ये सवाल
सवाल हमारा बनके कंप्लीट हो गया। अब इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम रखिए सी डैश, उसका नाम रखिए ए डैश, ए ए डैश, ठीक है। इस प्रकार हमारा सवाल बन गया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें, बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।